श्री गणेश है ना, हे ओंकार रूपी भगवान श्री गणेश, मेरा नमन स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती से मेरा नमन। मैं आचार्य देवेंद्र सभी ईश्वर प्रेमी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करूँ। मेरा परिचय मात्र इतना ही है कि मैं केवल और केवल महाकाल सदाशिव व महाकाली का दास हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी दास्ता मिली। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम अपने धर्म अनुसार अपने रीति रिवाज को निभाते चले आ रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं और यह क्यों शुरू करेंगे, इसके क्या कारण थे व इनका वैज्ञानिक आधार क्या है, जैसे सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के विषय के साथ। हमारा आज का विषय है हिंदू कौन है और हिंदू दर्शन क्या है। इसका जवाब तो हिंदुस्तान में सभी दे देंगे कि हिंदू एक धर्म है, यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। बहुत प्राचीन से प्राचीन उल्लेखों का भी विवरण दिया जा सकता है, सबूत दिए जा सकते हैं और यह बात भी सच है कि वह सभी सबूत सभी विवरण भी सही है। प्रश्न यह है कि यह सब हिंदू धर्म के उल्लेख हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू जो शब्द है यह हमारी भाषा सभ्यता धर्म काल में कहीं भी शब्द हिंदू का उल्लेख नहीं। किसी के पास जब जो चीज है ही नहीं तो वह उसे अपना कैसे मान देगा। हाँ, इतना हो सकता है कि उसे अपना बनाना उद्देश्य हो सकता है, लेकिन अपना नहीं कह सकते। तो क्या हमारी प्राचीन धार्मिक विरासत का उद्देश्य था हिंदू? हमारी धर्म संस्कृति तो सदा से अपना धर्म सनातन वैदिक कहती चली आ रही है, क्योंकि उसके पास हिंदू जैसा कोई शब्द ही नहीं था, तो वह अपने धर्म का नाम हिंदू कैसे रख सकती है। एक और उदाहरण देखते हैं। हर धर्म की अपना एक मार्गदर्शन ग्रंथ है, जैसे इस्लाम को मानने वाले कुरान मजीद में बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं, अर्थात वह कुरान के अनुसार चलते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले अपने धर्म ग्रंथ बाइबल से निर्देश प्राप्त करते हैं, वह उसी के अनुसार चलते हैं। सिखों के पास भी अपना गुरु ग्रंथ है जो उनका मार्गदर्शन करता, अर्थात वह उनके अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार सभी के पास ईश्वरीय वाणी पुस्तक के रूप में है। तो हिंदू यदि धर्म है तो यह किससे दिशा निर्देश प्राप्त करता है? यहाँ जवाब और सीधा सीधा एक आता है, भगवत गीता। लेकिन गीता कहीं भी हिंदू या हिंदू धर्म का उल्लेख नहीं करती, बल्कि वह तो सनातन की बात करती हुई नजर आती है। गीता में तो कृष्ण को भगवान के रूप में तथा उनकी वाणी को ही बताती है। यदि धर्म के मूल गीता है तो धर्म के मूल भगवान भी श्री कृष्ण ही हुए, तो कृष्ण से पहले क्या हिंदू धर्म नहीं था? जैसे ईसाईयत में ईसा मसीह से पहले ईसाई धर्म नहीं था, मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम भी नहीं था, गौतम बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म भी नहीं था, तो फिर श्री कृष्ण से पहले हिंदू धर्म नहीं था? नहीं, यहाँ मैं यही कहूँगा, कृष्ण के बाद गौतम बुद्ध के आने तक भी भारतीय संस्कृति में उनकी भाषा में हिंदू शब्द नहीं मिलता। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत में हिंदू धर्म तो दूर हिंदू शब्द भी नहीं था। फिर हमारी भाषा संस्कृति में हिंदू जैसा शब्द अचानक आ कहाँ से गया और जो आ करके सीधा हमारा धर्म बन गया? आइए इसे ढूंढते हैं। हमारा देश भारत
में एक कहावत कही जाती है, मैण मैण बदले पानी और कोस कोस बदले पानी। मैण कहा जाता है खेत की सीमा रेखा को दर्शाने के लिए मिट्टी के द्वारा बनाई गई लाइन, और पानी यानी भाषा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 4 किलोमीटर के दूर जाने पर पानी का स्वभाव बदल जाता है और 20 किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है। यानी भारत दुनिया का सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने वाला भाषाओं का देश रहा। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर शब्द कहीं थे और कहीं हैं तो वह भारत। भारत के पास आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा शब्द हैं और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शब्दों वाला देश है। भारत में हिंदू शब्द का आगमन हुआ माना जाता है मुगलों के आगमन के साथ। मुगल आए, उनके साथ उनकी भाषा आई। अरबी, हमारी भाषा में हिंदू शब्द कोई नहीं था, लेकिन अरबी भाषा में हिंदू शब्द था। हिंदू नहीं था, हिंद था। अरबी भाषा में हिंद का अर्थ है एक राष्ट्र जो हिंद सागर से घिरा हुआ देश हिंद। जिस प्रकार हम जापान के लोगों को जापानी, चीन के लोगों को चीनी, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं, उसी प्रकार अरबियों ने हमें हिंद के नागरिक हिंदू कहा हो। या हो सकता है कि अरबी और पारसी धर्म में आपस में मधुर संबंध हो, जैसे आज भारत में सभी धर्मों का आपस में मेल, क्योंकि हिंदू शब्द जो है वह पारसी में ही पाया जाने वाला शब्द है। हिंदू शब्द अगर दुनिया को किसी ने दिया है तो वह है पारसी। पारसी में ही हिंदू शब्द मिलता है और पारसी में ही हिंदू शब्द का अर्थ भी मिलता है। और दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें कि हिंदू का कोई शब्द हो या उसका कोई अर्थ हो। पारसी में हिंदू का अर्थ है काला, कलंक, शनि, चोर, कपटी इत्यादि, जैसे रंग, व्यक्ति, स्वभाव में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यह तो तय है कि हमें हिंदू शब्द मुगलों ने दिया, उन्होंने ही हमें सर्वप्रथम हिंदू कहा। यह बात अलग है कि उन्होंने हमें यह हिंदू शब्द, यह हिंदू नाम पारसी से प्रेरित होकर हिंदू कहा, या अपनी भाषा अरबी के हिंद से प्रेरित होकर हमें हिंदू कहा। लेकिन हमें हिंदू के रूप में दुनिया में पहचान देने वाले अरबी ही हैं, मुगल ही हैं। मुगलों ने ही हमें हिंदू के रूप में पहचान दिया। जब कोई धर्म ही नहीं है, जब कोई धर्म ही नहीं है तो हिंदू तो दर्शन हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदुत्व के लिए हिंदू का होना आवश्यक है। हमारे भारत सरकार के पास हिंदू हिंदुत्व के लिए कोई व्याख्या नहीं। भारत के न्यायालय के पास हिंदू हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं। भारत के संविधान के पास हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं। फिर मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि यह सरकार किस आधार पर हिंदुओं को बहुसंख्यक मानती। किसी को कम या ज्यादा जब माना जा सकता है, जब कोई हो, जब कोई है ही नहीं तो उसे आप कम या ज्यादा कैसे कह सकते हैं। रोज नए नारे लगते हैं, हिंदू 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 पर गर्व करो। मैं गर्व करने पर पूछना चाहता हूँ कि हिंदू शब्द में ऐसा क्या है कि मैं गर्व से कहूँ कि मैं हिंदू हूँ। इसका मतलब कि मैं गर्व से कहूँ कि मैं चोर हूँ, मैं कलंक हूँ, मैं काला हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं हिंदू हूँ। क्या मेरे धर्म पर मेरी भाषा का कोई शब्द भी नहीं है? जब हमारे पास दुनिया की सबसे प्राचीन व विशाल भाषा संस्कृत के रूप में है, तो उसकी भाषा में उसके अपने धर्म का नाम भी अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी भाषा में हमारे धर्म का नाम नहीं है। हमारी भाषा में एक नहीं, दो दो नाम हैं।
सनातन धर्म, वैदिक धर्म। सनातन अर्थात आरंभ। मानव ने जब ज्ञान का आरंभ हुआ तभी सनातन धर्म का आरंभ हुआ। इसे ज्ञानोदय भी कहा जा सकता है। इस ज्ञानोदय को ही वेदोदय कहा गया और एक नए युग का आरंभ हुआ। यही अंधकार के युग का अंत था। इस वेदोदय युग का को ही सनातन धर्म का उदय और काल को वैदिक काल, प्राचीन काल कहा। मानव को सर्वप्रथम ईश्वरीय वाणी प्राप्त हुई तो वह वेद पुस्तक के रूप में प्राप्त हुई। इसलिए सनातन धर्म का मूल वासुदेव कुटुंबकम् अर्थात सारा संसार हमारा परिवार है, ऐसा थे। कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु शब्द का बदला हुआ बिगड़ा हुआ रूप हिंदू है। चलो अगर इस बात को माना भी जाए, यह शब्द भारत सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो यह उसी काल में चलन में आ जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास यह शब्द दोहराता जरूर। सिंधु काल में कोई देश या राष्ट्र नहीं था, इसीलिए इन्हें सभ्यता कहा गया। उस काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। इस सभ्यता के समकालीन आर्य सभ्यता से हुआ युद्ध ही सबसे प्राचीन युद्ध हो, क्योंकि दोनों ही सभ्यताएं विशाल शक्ति संपन्न थी। आर्य सभ्यता इस युद्ध में विजय हुई थी। उनकी विजय का मुख्य कारण था घोड़ा। आर्य सभ्यता ने उस काल में युद्ध कला का बेहतर विकास कर लिया था। तो वहीं सिंधु सभ्यता ने मानव के रहन सहन का जो विकास किया था वो आज भी अचंभित कर देने वाला है। सिंधु सभ्यता का आविष्कार तो बहुत थे, लेकिन सिंधु सभ्यता का मुख्य आविष्कार था गाय, क्योंकि उस समय उन्होंने गाय को पालना सीख लिया था। दूध का प्रथम परिचय मानव को सिंधु सभ्यता ने ही करवाया था। दोनों ही सभ्यताएं एक दूसरे की कला से प्रभावित हुई, अचंभित हुई। आर्य रहन सहन का विकास वह गाय से अचंभित थे, तो सिंधु युद्ध कला विकास वह घोड़े से अचंभित थे। दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे, दोनों ही समझ चुके थे एक दूसरे की कला का महत्व, और यही शुरू हुआ एक राष्ट्र का उदय जिसका नाम था आर्यवर्त। आर्यवर्त में आर्य नार्य शब्द का चलन हुआ। सिंधु को हिंदू नहीं कहा गया, इसलिए हमारे भारत में हिंदू शब्द नहीं पाया जाता। इसलिए हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म हिंदू नहीं सनातन है, वैदिक है। जो वेदों के द्वारा निर्देश प्राप्त करता है, वेदों को ही ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। इसलिए अवश्य ही आप गर्व से कहिए, जय वेद, हम आरंभ से हैं, सनातन हैं हम। इसी के साथ आपके मन में भी ऐसे किसी विषय रीति रिवाज के बारे में जानने की शंका, समाधान की जानकारी चाहने की अवश्य ही चाहते हों, तो अवश्य ही हमारे चैनल भारत न्यूज़ टीवी पर दिए गए नंबर पर अवगत कराएं, और हम आपके इस दी हुई जानकारी के बारे में अवश्य ही आगे बताएंगे। और मैं भारत न्यूज़ टीवी के संसार दर्पण में आपसे विदा लेना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय।